हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरीबिड टैबलेट्स के बारे में। यूरीबिड टैबलेट्स में नाइट्रोफेरेंटिन होता है। ये कैप्सूल और टैबलेट दोनों के फॉर्म में आता है और मार्केट में ये 50 mg एंड 100 mg में अवेलेबल होता है। दोस्तों, ये कौन सी मेडिसिन है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके क्या स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसकी डोज क्या होती है, इसके अलावा आज के वीडियो में एक स्पेशल चीज़ की बात करने वाला हूँ जो है ड्रग इंट्रैक्शन, यानी किस किस मेडिसिन के साथ में ये इंट्रैक्शन करती है, किस किस मेडिसिन के साथ में नहीं देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नाइट्रोफेरेंटिन कैप्सूल्स या टैबलेट्स के बारे में, ये होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि नाइट्रोफेरेंटिन होता क्या है, तो ये एक प्रकार का प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक कंपाउंड होता है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है, लेकिन आपको बता दें कि हायर कंसंट्रेशन में अगर हम इसको देते हैं, यानी लंबे समय तक देते हैं, डोज को बढ़ा कर देते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ये अपनी एक्टिविटी को लोअर पीएच पे बढ़ा देता है, यानी कि अगर आपके बॉडी का पीएच लो है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, लेकिन धीरे धीरे जब तक हम इसे लेते रहते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है इसके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, तो ये काम नहीं करता है, तो इसकी डोज बढ़ा के दी जाती है या फिर एंटीबायोटिक बदल दी जाती है। दोस्तों, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसमें ड्रग इंट्रैक्शन में कि ये नैलिडिक्सिक एसिड जो होता है उसको एंटागोनाइज करता है, ये भी एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल होता है। आपको पहले भी बताया मैंने, ये 50 mg और 100 mg में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसके ब्रांड्स के बारे में कि नाइट्रोफेरेंटिन अलग अलग कौन कौन सी ब्रांड में आता है, तो दोस्तों ये निफ्टाज के नाम से आता है, यूरीबिड के नाम से आता है, निफ्ट्रान के नाम से आता है, इसके अलावा निफ्टी के नाम से आता है, यूरीफास्ट के नाम से आता है और नाइट्रोवेस्ट के नाम से आता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी इसकी ब्रांड मिल सकती हैं। जो भी ब्रांड आपको आसानी से मिलती है आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताऊं कि आप चाहते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में बात की जाए, उसके बारे में बताया जाए कुछ चीज़ें, तो आप वीडियो को अच्छे से लाइक करिए। कम से कम वीडियो को आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, 200 लाइक अगर आ जाएगा तो मैं बना दूंगा। आई थिंक मेरा छोटा वो है एम, लेकिन ठीक है, अगर 200 लाइक आता है तो उस वीडियो को बनाया जाएगा ज़रूर, आपको एग्जाम्पल सहित वो वीडियो दिखाया जाएगा। अगर इसके यूज़र्स के बारे में मैं बात करूं कि इसका यूज़ कहां कहां पे किया जाता है नाइट्रोफेरेंटोइन का, तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यानी कि आपको जो अगर किडनी से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय के इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, पाइलाइटिस में किया जाता है, यानी रीनल पैल्विस, यहाँ पे किडनी के अंदर में रीनल पैल्विस होता है, वहाँ के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। नेफ्राइटिस में, पेलियोनेफ्राइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि नेफ्रॉन नालिकाओं में अगर इन्फ्लामेशन होता है तब भी नाइट्रोफेरेंटाइन कैप्सूल्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक का अगर कोई भी सर्जरी होती है तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एज अ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये नाइट्रोफेरेंटाइन का यूज़ किया जाता है। यानी कुल मिला के इसका जो यूज़ करते हैं वो यूरिनरी ट्रैक में ही करते हैं, यहीं पर किया जाता है, तो इसी के लिए ये मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हम नाइट्रोफेरेंटाइन ले रहे हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि नाइट्रोफेरेंटाइन आपके रीनल फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है, यानी आपके किडनी को ये डैमेज कर सकता है अगर आप लंबे समय तक लेते हैं। इसके अलावा आपका यूरिन डार्क ब्राउन हो जाता है अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं नाइट्रोफेरेंटाइन, तो एक चीज़ यहाँ पे होगी, ध्यान दीजिएगा कि जब आपकी यूरिन, आपकी पेशाब जब एयर में आएगी तो वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। इसके अलावा यह लीवर डैमेज कर सकता है, पल्मोनरी रिएक्शंस को प्रॉब्लम कर सकता है, यूरिन को एसिडिफाई करा सकता है नाइट्रोफेरेंटाइन। इसके अलावा पेडियाट्रिक्स की बात करें तो जो बच्चे 1 साल से कम के हैं उनमें यह नहीं दिया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी सेफ नहीं होता है और लैक्टेशन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट सम कॉशंस के साथ में, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें G6PD डिफिशियंसी है, वैसे बच्चों में, तो उनमें एनीमिया काज कर सकता है। ये होता क्या है, तो ये एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो कि है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज कंपाउंड। अगर इसकी डिफिशियंसी इन्फेंट में है तो उनमें एनीमिया काज हो सकती है नाइट्रोफेरेंटाइन के द्वारा।
इसके अलावा साइड इफेक्ट की बात करें तो जीआई इनटॉलरेंस देखने को मिलता है, यानी पेट से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं, नौजिया हो सकता है, डायरिया की समस्या आ सकती है, आपको फीवर भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिल सकती है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स में, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। बाकी और कई सारे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया भी देखने को मिलती है इसके साइड इफेक्ट में, अगर इसे आप लंबे समय तक लेते हैं। लास्ट में मैं बात करूं यहाँ पे डोज के बारे में, लास्ट नहीं है, अगर मैं डोज के बारे में बात करूं तो एडल्ट के अंदर में ये जो टैबलेट है, ये जो कैप्सूल है, उसे हम 50 mg to 100 mg दे सकते हैं, जैसे ही कंडीशन हो, 6 घंटे के अंतराल में, खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ में। इसके अलावा चिल्ड्रंस की बात करें, बच्चों की बात करें, तो 6 mg per kg बॉडी वेट के हिसाब से 4 divided dose में हम इसे चिल्ड्रन में भी दे सकते हैं, बच्चों में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 1 साल से कम के बच्चे में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में मैं बात करूं ड्रग इंट्रैक्शन की, कौन कौन सी ड्रग के साथ, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ में इंट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों ये एंटागोनाइज होता है नेलिडिक्सिक एसिड के साथ में, यानी अगर इसके साथ में देंगे तो जो इसका रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। इसके साथ में अगर हम इसको मैग्नीशियम ट्राइसिल्केट के साथ में ले रहे हैं तो जो नाइट्रोफेरेंटाइन कैप्सूल्स है इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो इसकी डोज को बढ़ा के देते हैं ज़्यादा, ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। इसके अलावा प्रोबेंसिड के साथ में जो है इसका एक्सक्रीशन रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जब हम प्रोबेंसिड के साथ में नाइट्रोफेरेंटाइन देते हैं तो नाइट्रोफेरेंटाइन के डोज को घटा के दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मात्रा कम रहे और एक्सक्रीशन हो पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग नाइट्रोफेरेंटाइन लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से विटामिन B6 का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, तो यानी कि अगर हम नाइट्रोफेरेंटाइन ले रहे हैं तो इसके साथ में एज अ सपोर्टिव मेडिसिन हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा हम विटामिन B6 की अगर पायरिडॉक्सिन की कैप्सूल्स आती हैं तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से पायरिडॉक्सिन की मात्रा घटने लगती है अगर हम नाइट्रोफेरेंटाइन कैप्सूल्स के साथ में उसको लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की नाइट्रोफेरेंटाइन यानी एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, हमारा एक बार हेल्थ मुख्य चैनल जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।